हाँ हाँ ब्लॉग चल रहा है थोड़ा, मन है मुझे बाइक के बिना हैंडल की गाड़ी। सो गाइज, इसके हैंडल बार में थोड़ा सा बैंड आ गया है, तो उसको सही कराने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो हल्का सा बैंड है इस जगह पे, बैंड है इस जगह, थोड़ा सा ऐसे स्टेयरिंग को थोड़ा पकड़ने में ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा फील हो रहा है। और ये देखिए, बच्चों की छुट्टी हो गई है एंड बच्चे जा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि भैया मोटो व्लॉगर। ओहो इनके पास लेता हूँ बच्चों के, इनके पास से ही चलता हूँ मैं थोड़ा। या हाँ हाँ ब्लॉग चल रहा है मेरा, तो अभी बच्चों का रिएक्शन ले रहा हूँ मैं थोड़ी देर। बच्चे बोल रहे हैं मेरे को, भैया ब्लॉग बना रहे हो? मैं बोला हाँ भाई हाँ, ब्लॉग बन रहा है। ब्लॉग तो क्या बन रहा है यार, ये स्टेयरिंग जब सही हो जाएगा तब बनाऊँगा मैं अच्छे से ब्लॉग। ये चांदपुर की रोड ऐसी होती है यार, वहाँ पे इतने सारे वो कुकू के रिक्शा वाले हो गए इलेक्ट्रिक वाले, तो वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है उनकी कि आप निकाल नहीं पाओगे कोई बाइक वीक। कार तो श्योर है कि एक ना एक डेंट पड़ ही जाएगा, और वो भी नाइट में जब आ रहे हैं आप उधर से लगभग 7-8 बजे के बीच में, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रश रहता है उधर। तो अगर आप उधर जाएँ कभी शॉपिंग करने, तो आप बिना व्हीकल के जाएँ, वहाँ से आप जाएँ रिक्शा करके, तो रिक्शा करके सही रहेगा आपके। बच्चे थोड़े दिल के सच्चे होते हैं, तो वो कुछ भी बोल देते हैं अपने मन की बात। ये देखिए बच्चों की सबकी छुट्टी हो गई है। हम भी जब 12th क्लास में थे 11th में, तो हम भी जाते थे ना साथ में मिल के सब, वो दिन याद आ जाते हैं इस बच्चों को देख के। और आपको मैं बता दूं, ये इस जगह मेरे जो सीनियर हैं कॉलेज के, लोकेश सर, उनका भी घर है यहाँ। अभी बच्चों के 1:45 लड़कियों से भाई थोड़ा दूर रह के चलाया करो यार। ये सीधा रास्ता जाता है गाइस 5 नंबर, वो वहाँ पे 5 नंबर का थाना भी है, थाने के पास मिलता है रास्ता जाके, 2-3 स्ट्रीट छोड़ के है अपना बजाज का शोरूम, तो उधर ही जा रहे हैं अपन अभी। देखते हैं होएगा तो सही हो जाएगा, नहीं दो तरीके होते हैं इसको सही कराने के, या तो आप इसको इस साइड से गर्म करा के फिर इसको सीधा करके दे देगा, वो लोकल शॉप वाले करके देते हैं, और जो शोरूम वाले होते हैं वो इसको चेंज करके देते हैं पूरे को, तो उनसे भी देख लेते हैं एक बार वो कैसा करके देते हैं इनको इसको। देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई है, आई लव किड्स। और अगले महीने की 6 तारीख को मैं निकलूँगा वृंदावन के लिए, तो वो भी बहुत सारे ब्लॉग आएंगे उसमें, 3-4 ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगा मैं, आपको दिखाऊँगा ज़रूर सारे। अपना बजाज का शोरूम भी आने वाला है, वो दिख रहा होगा आपको शायद, इस मंदिर के पास में बालाजी का मंदिर है उसके पास में, उधर ही है। तो गाइस आ गए हैं अपन बजाज के शोरूम, इधर से है बस, यही है बजाज का शोरूम। अपन आ गए हैं बाइक लेके इधर अंदर, अभी कुछ देर की बाकी है 10 मिनट के अंदर, तो उसमें हैंडल वगैरह चेंज होएगा इसका, और जो मिरर है वो भी हिल गया था तो उसको भी सेट होएगा, और ABS में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़े दिनों से, तो वो भी चेक होएगा, तो सारी चीज़ें चेक हो जाएगी, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं घर पे। आज बहुत सारा सामान भी लाना है मार्केट से, मम्मी की भी छुट्टी है। अभी दिख रहा होगा गाइज आपको कि हैंडल लगा रहा है वो भाई मेरी बाइक के ऊपर, ये देखिए भाई लगा रहा है अभी हैंडल, जाता हूँ मैं भी उसके पास में बिना हैंडल की गाड़ी।
later.